नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर जिला कांग्रेस कमेटी देहरादून रोड स्थित ग्राम चमारी खेड़ा के ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर आज जिला अधिकारी अखिलेश सिंह से मिले व उनको एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी भूमि को अधिग्रहण करके उक्त का निर्माण कराया गया है और अभी तक अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भी काफी लोगों को नहीं मिला है। उस पर टोल टैक्स की दोहरी मार लगाकर ग्रामीणों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की निम्न मांगे हैं कि चमारी खेड़ा व आसपास के ग्रामों का टोल टैक्स समाप्त किया जाए, आधार कार्ड के आधार पर उन्हें आवागमन की सुविधा दी जाए, जिन किसानों की भूमि को अधिग्रहित कर उक्त हाईवे बनाया गया है उसका मुआवजा उन्हें तत्काल प्राथमिकता पर दिलाया जाए। इन मांगों को लेकर हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, बेहट विधायक नरेश सैनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया, गुलशेर अलवी, कृष्ण पाल, सचिन वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। साथियों, आज यहां पर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, हमारे माननीय विधायक जी, चमारी खेड़ा का जो टोल प्लाजा है जो चालू हो चुका है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आने का काम हो रहा है। हर आदमी त्रस्त है। लगभग 15-20 गांव आसपास में हैं, जो 15-20 गांव के लोग इस टाइम रोज लड़ाई मार झगड़ा होने का काम हो रहा है। हम का कहना है डीआर अधिकारी महोदय को, आधार कार्ड के तरीके से उन लोगों को आने जाने में करा जाए। अगर नहीं करने का काम करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे और उन लोगों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है और टोल प्लाजा की शुरुआत होते ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के लोग हैं वो यदि 1 किलोमीटर भी चलेंगे वो 40 रुपये का मोटरसाइकिल पर और 180 रुपये का गाड़ी पर जो उन्होंने टोल टैक्स दिया जा रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए आए। हमारा कहना ये है, जो लोकल आदमी है, जो रोज़ के एक सड़क पर चलने के लिए मान लिया 5-10 चक्कर लगाने पड़ गए, वो तो उसी में रह जाएगा, उसके तो कारोबार सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उसका, इनका जो लोकल हमारे लोग हैं, रहने वाले हैं, उनका उत्पीड़न बंद कराया जाए टोल प्लाजों के द्वारा से और उनको एक ऐसा सर्वे वो दे दिया जाए कार्ड बनवा के, जिससे वो उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि हमें प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा, यदि टोल अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हम इसे सड़क पर जाके जाम लगाने का काम करेंगे और अपने लोगों को मदद करने का काम करेंगे। तो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, हमारे सेवादल, सभी हमारे पदाधिकारीगण जिले के और महानगर कांग्रेस कमेटी के, आज हम विज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए हैं कि चमारी खेड़ा में टोल प्लाजा जो बना है उसके जो आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी का घर टोल प्लाजा के दाएं तो रहे है, किसी का घर बाईं हो रहे है। तो उसमें वहाँ कल भी झगड़ा हुआ, तो उस संदर्भ में आज डीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, गाँव के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो आमजन हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी की जाए जो 150 या 100 रुपये महीने के हिसाब से उनका कोई कार्ड ऐसा इशू हो जाए जिससे टोल प्लाजा पर उन्हें रोका ना जाए। आज इसी उपलक्ष्य में अपना ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब का शासन की तरफ से भी एक ऐसा अध्यादेश जारी हुआ है जो हाईवे बने हुए हैं कि 60 किलोमीटर से पहले कोई दूसरा टोल प्लाजा ना बनाए। कोलकी में एक टोल प्लाजा बनने जा रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। अगर आप टोल से ही अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो घर घर जाके मांग लो, वैसी कटोरा तुम्हारे हाथ में है ही, देने को कोई मना नहीं करेगा। अगर इसी तरह आपने अपने रेवेन्यू बढ़ाना है कि 30-30, 25-25 किलोमीटर पर अगर आप टोल प्लाजा रखेंगे, रोहाना के पास जो टोल प्लाजा है उसकी कीमत एक तरफ की 130 रुपये है, तो आदमी इतना कमा नहीं पाता, वो 130 रुपये वहाँ जाएगा, गाड़ी में जाएगा, अंदर के जो रास्ते गांव देहात के थे वो आपने खोद के गिर दिए। भाई, गरीब आदमी के लिए आप कुछ कर तो रहे नहीं और उसे परेशान करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण परेशान है, किसान परेशान है, हमारी यही मांग है। तो वो जो कोलकी में जो टोल प्लाजा बनने जा रहा है वो ना बने, जिससे वहाँ का आमजन अपनी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सके।